शुरुआत होती है फौजियों की सेना के साथ, जो लोग एक मिशन पर हैं और जैसे ही घर में एंट्री लेते हैं उन्हें एक आदमी दिखता है जो हर तरफ से बॉम्ब से घिरा हुआ था, लेकिन उस इंसान का अंगूठा और आधा सर गायब होता है। ये तो साफ है कि उसका ये हाल तलवार से किया गया है, और इतनी सफाई किसी निंजा के पास ही होती है। निंजा का नाम सुनते सारे फौजी चौकन्ने हो गया। फिर हम एक रूफ पर कुछ दोस्तों को देखते हैं जिनमें हमारा मेन कैरेक्टर कुसागारा कुरो भाई है, और कुरो का दोस्त हिबी भी उसे काफी टाइम बाद मिल रहा है। वो कुरो से कहता कि तुम ही हो ना जो उस दिन अपार्टमेंट से भागने में कामयाब हुए थे। कुरो ने पूछा, वो छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे का निशान कहाँ गया। असल में हिबी ने वो निशान मेकअप से छुपाया हुआ होता है। उसी बीच कुरो का एक पैर च्युइंगम पर पड़ा, जिसे एक लड़की घूर कर देख रही होती है। पूछने पर उसने अपना नाम सुजुकी बताया। कुरो के हिसाब से हर दूसरी लड़की खुद को सुजुकी बताती है, नाम तो हिबी भी जैसा होना चाहिए। जिसके बाद उसे याद आया कि वो एक कुलू चैट पर मीटिंग क्यों कर रहा है, ये किसी बेवकूफ का आइडिया था। अगर कोई स्नाइपर चाहे तो आराम से उन सभी को खोपड़ी उड़ा सकता है। वह उनका दोस्त हाचिया भी है, जो बताता है कि दुश्मन ने हमें चारों ओर से घेरा हुआ है। वैसे लड़कियां हैं कौन? हाचिया ने कहा कि लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेबर वेलफेयर के रियर सपोर्टर्स हैं, उन्हें रियर एंडीवर्स भी कहा जाता है। कनगुरा फैशन में एक्सपर्ट है, पहले वार उन पर ही भी करने वाला है। कुरो जानना चाहता है कि उन्हें उन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, ताकि उसकी छुट्टी करके इस मामले को निपटा सके। हाचिया को लगता है कि पीले बाल लड़की स्ट्रॉन्ग है, पर वो गलत है। कुरो ने मास्क वाली लड़की के इशारे करते हुए बताया कि यही है छुपा रुस्तम। कुरो को एक लेजर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी ताकि स्कूल में किसी को कानो कान खबर ना हो जाए। कुरो कहता है कि जब मैं अंडरटेकर वाला साइन दिखाऊं तो तुम सब लेजर का इस्तेमाल करना। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए छत से नीचे आ जाता है। ये दिन था 9 सितंबर का, और हम चलते हैं सीधा 9 जुलाई वाले दिन, जहां कुरो अपने घर में पड़ा हुआ पड़ा है, डांट्स मारने की प्रैक्टिस कर रहा है। कुछ देर बाद में जैसे उसकी नींद लग जाती है, तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। कुरो बंदर की तरह छलांग लगाते हुए देखता है कि ये तो क्वाटो है, वो एक करियर निंजा है। काटो पूछता कि तुम इतनी गर्मी में गॉस से ठंडा तक नहीं पहुंचे, और पर कुरो तो पड़ोसी का फ्रिज इस्तेमाल करता है जो इस वक्त बाहर है। आजकल करियर निंजास को जॉब के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। और कुरो ने कहा, मुझे तो बस पैसों से मतलब, तो काम वैसे भी कर ही लूंगा। लगता है कि उसे निंजा होने के डिसिप्लिन्स के बारे में पता नहीं है। एक लापरवाही कुरो की नौकरी को खा सकती है। फिर काटो कुरो को जॉब देने के लिए राजी हो जाता है। कुसागारा क्लैन को कुछ मेंबर्स की जरूरत है, जिसके बाद डार्ट्स को गिरने से बचाने के लिए जैसे कुरो ने हाथ आगे किए, काटो उसे चीता की फुर्ती से पकड़ लेता है और कहता है कि ये देखो, तुमने एक निंजा पर शक नहीं करना चाहिए। काटो के जाने के बाद कुरो ने देखा उस बॉक्स में ब्लेजर एक हुडी थी। कुरो उस हुडी को पहन लेता और निंजा जैसा महसूस करने लगता है। कुरो को एडमिशन के लिए कुडान हाई स्कूल में बात करनी होगी, पर उसके लिए वो लोग कुरो के पेरेंट्स से बात करना चाहते थे। अब कुरो को कोई ऐसा चाहिए जो उसकी मॉम बनकर बात कर सके। तभी उसे अपनी पड़ोसन कवाडो की याद आती है। वो देखता है कि घर में तो कोई है ही नहीं, कवाडो इस वक्त नाशी है, और वो कुरो से कहते हैं कि अगर तुम मुझे टॉयलेट पेपर लाने में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। लेकिन वो पेपर भी वॉशरूम में ही होता है। कुरो अपनी निंजा टेक्निक दिखाते हुए जैसे ही टॉयलेट पेपर उसे दिखाता है, कवाडो उसके मुंह पर चप्पल मार देती है। कुरो की रिक्वेस्ट पर उसे स्कूल में उसकी मॉम बनकर बात करी। अब जब उसने कुरो पर एहसान किया है तो शर्त के अनुसार कुरो को उसे बियर तो पिलानी होगी। कुरो ने अपने रूम को पड़ोसी के रूम से जोड़ा हुआ है, जिसके फिर से दो कैन निकाल लाता है। कवाडो कुरो की मॉम के बारे में जानना चाहती है, लेकिन वो तो इस वक्त दुनिया में है ही नहीं। उसके फादर ने बताया कि वो तो कुरो के जन्म के साथ इस दुनिया से चली गई थी। कुरो अपने पेरेंट्स का अकेला ही बच्चा था। उसका जो बेस्ट फ्रेंड था उसका नाम मिरेकल था, लेकिन एक दिन उसके खुद के साथ चमत्कार हुआ जो बिजली का झटका खाकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। कवाडो ये सुनकर बुरी तरह से हंसने लगती है और कुरो की एज पूछती है, तो कुरो सिर्फ 17 साल का ही है और वो अपनी अलमारी में सोता है क्योंकि उसके फेवरेट कैरेक्टर डोरेमोन है। शाम को कुरो कवाडो के घर सुलाता है, और जो जैसे ही बाहर आ रहा होता है उसकी नजर पड़ोसी पर पड़ती है। कुरो छुप के अपने सीक्रेट रूम में छुप गया, लेकिन वो पड़ोसी देखता है कि उसकी बियर की कैन कवाडो के घर में खाली पड़ी थी। सभी सुबह उसने कवाड़ो को धमकी दे दी कि अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो पुलिस बुला लेगा, पर कवाड़ो कहती कि अगर मैंने तुम्हारी चोरियां गिनवादियां शुरू कर दी तो पुलिस उल्टा तुम्हें ही दबोच लेगी। अब अभी अभी कुरो ने एनिमे शो देखकर खत्म किया। अगले दिन वो काटो के साथ कैडोन स्कूल चल देता है। उसकी बाकी तीन साथियों को चुनिन ने पर्सनली चुना था। उस टाइम ही भी जान चुका था कि कुरो कई आम बच्चा नहीं है। जिसके बाद हमें एक बैंक दिखाया जाता है, वहाँ एक फॉरनर निंजा को ढूंढ रहा है ताकि वो उसे ट्रेन कर सके। ऑफिसर ने बताया कि तुम जैसे नमूने यहाँ पर रोज आते हैं और निंजा के बारे में पूछते हैं। जैसे ही ऑफिसर ने उसके पीछे इशारा किया, वो फॉरनर निंजा को आवाज लगाने लगा और सबसे पूछने लगा, पर उसे इस तलवार से खेलने के बजाय एक काम करना चाहिए। जापान में एक मशहूर कहावत है कि अगर तुम एक पत्थर फेंकते हो तो एक निंजा पर ही जाकर लगता है। इसका मतलब है कि निंजा जापान में हर तरफ मौजूद है, लेकिन ऐसा निंजा तो उसे नहीं मिलने वाला जो दिखने में भी निंजा दिखता हो। जापान आने के बाद साथी हेडक्वार्टर्स के जनरल ने स्पेक्टर ऑर्डर पास किया था, जिसमें उसने इंपीरियल फोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की मांग करी थी।
जिसके लिए वो निंजास भेजने वाले थे। युद्ध के दौरान निंजास के छुपकर इस्तेमाल किया जाता है जिससे उनकी धाम जमा सके। एक दिन स्टेशन पर पहुंचकर निंजा ने हमला किया था और इससे उन्हें एक प्रो अमेरिकन निंजा ही बचा सकता था। पिछले 70 सालों में जापान में कई धर्म के आधार पर युद्ध हुए हैं और आतंकी हमले भी देखे गए हैं। उसी दौरान निंजास के नंबर जापान में बढ़ने लगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और सरकारी निंजास हर तरफ नजर रखने लगे। युद्ध के बाद निंजास की गिनती 2,00,000 तक पहुंच गई थी और आज तक शहर में कई निंजास मौजूद हैं। फिर हम एक बार करंट सीन पर आते हैं। कुरो उस अंदर से कहता है कि तुम्हारे पर भी सरेंडर करने का मौका है। वो लड़की बोली कि मेरी जुबान से ज़्यादा मेरी तलवार चलती है जो तुम्हारी ब्लेड प्रूफ हुडी को भी चीर सकती है, पर उसके हाथ पर भी एक लेज़र थी। कोई भी शिनोबी में बिना फायर सपोर्ट के एंटर नहीं कर सकता। एक इशारे के साथ ही उस लड़की का हाथ जल सकता है और ये सुनकर भी वो अंदर हमला कर देती है। काटो इसी बीच अपने साथी से बात कर रहा है। उसके हाथों में कुरो के साथियों की तस्वीर है। हाल ही में खबर है कि एक फॉरनर मेल को ऑर्गन को काट रहा है। वो एक जापानीज एजेंट है जो निंजा बनना चाहता है। जब वो निंजास की तलाश में शहर में घूम रहा होता है तभी उसे पोल पर एक सिंबल दिखता है। वो एक तरह का निंजा कोड है जिसे आम लोगों से छिपाते हुए बनाया गया है। उसे लगा कि आसपास ऐसे कोई सिंबल्स हो सकता है। उसने जर्मनी में अपने दोस्त को कॉल लगाकर इन सारी जानकारी दी। उसने कहा कि देखकर तो लगता है कि ये निंजा सिंबल्स ही है। वो रास्ते में एक आदमी से टकराया, पर आगे बढ़ते ही वो अपने दोस्त लुइस से कहता है कि उसे मेल बॉडी के पार्ट्स को काटना शुरू कर देना चाहिए ताकि निंजास का ध्यान की ओर आकर्षित हो। उसके साथी के पास एक बच्चा है जो लुइस की बेटी है। अगर लुइसे के उसे बचाना है तो एक निंजा ही बनना होगा। फिर हम स्ट्रीट्स पर एक लड़की को देखते हैं जो रास्ते में सामान लाते वक्त किसी ऑन की सैन की बात कर रही होती है जिसके लिए वो बियर लाकर जा ही रही होती है। रास्ते में उसे एक बुढ़ा आदमी भी दिखता है जिसे गाली देते हुए लड़की चलती बनती है। तभी वो लुइसे के पास से गुजरी। लुइसे आंखों में चमक आ जाती है जिसे उसे अपना अगला शिकार मिल गया हो मिस्टर ओनोकुरो के रूममेट में है। मिस्टर ओनोकुरो का रूममेट है जो लड़कियों के कपड़े चुरा कर पहनता है। कुरो के पूछने पर ओनो बताता है कि कावाड़ो ने उसकी बियर की कैन चुराई थी इसलिए उसने कावाड़ो के कपड़े चुरा लिए। कुरो के घर के उसके सारे राज पता है, यहाँ तक कि ओनो की मॉम के हाथ के बने जूस की जगह भी उसे मालूम थी। कुछ देर बाद वो दोनों मिलकर जूस का एंजॉय करते हैं। पिछले हफ्ते ही ओनो को जॉब से निकाल दिया गया था, तब उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली और रात उसके लिए काफी अजीब थी। उसने देखा कि कुछ कपड़े एक ड्रोन हवा में उड़ाकर ले जा रहा था जिसे ओनो ने अपने चांटे से रोक लिया। तभी उसकी नजर एक लड़के पर गई जिसकी शक्ल काफी मिस्टीरियस थी और वहीं छुपकर ड्रोन उड़ा रहा था। कुरो को लगा कि वो हो सकता है वो पड़ोस का ही बच्चा हो जिसके ड्रोन में गलती से कवाड़ों के कपड़े फंस गए हों। ओनो को लगा कि उन्हें इस बात की खबर कवाड़ों को दे देनी चाहिए। अगर उसे सच बता देगा तो वो कपड़े वापस कर देगा, लेकिन ओनो को इसमें शर्म आती है। तभी दीवारों पर कुछ टेक्स्ट लिखे दिखाए जाते हैं और खबर आती है कि कल शाम 2 मेल्स के नरेमी वार्ड में बेतसलुकी की गई। पुलिस उसकी छानबीन में लगी है। कोई मेल्स को तो पहले टॉर्चर करता है फिर मेन ऑर्गन अलग कर देता है, लेकिन एक दिन उसका पाला मिस्टर मिली से पड़ा जिसने लुइस को चकमा देने के लिए सॉसेजेस का इस्तेमाल किया। मिस्टर मिल्क पहले तो उसकी पीठ पर बैठा है फिर वो चालाकी से उसे दूर भाग जाता है। लुइस को अब सिर्फ 3 और मेल्स की जरूरत थी। उसे वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लीग के किलर बनने का काफी शौक है। उसका नाइफ देखकर मिस्टर मिल्क को लगा कि जरूर रशियन आर्मी का होगा। लुइस अपना शिकार करने के लिए मिस्टर मिल्क के पीछे पड़ जाता है, पर उसे उलझना कोई बच्चों का खेल नहीं। वो अपनी चालाकी से लुइस को नीचे गिरा देता है जिस बीच लुइस ने उस पर निशाना लगाकर गोली चला दी। शायद सड़क पर लुइस से लड़ना मुश्किल होगा क्योंकि वो 2 गोलियां मिस्टर मिल्क पर चला चुका है, पर अचानक उसे अपने शरीर को इनविजिबल किया और वहां से भाग निकला। लुइस की सारी मेहनत खराब हो गई और आज लगभग 8 घंटा पहले जॉब कुरो कवाड़ो के गारमेंट्स पहने हुए होता है। तभी काटो फिर उससे मिलने आ जाता है जिसे देखते ही वो शर्मिंदा होकर वियर्ड बातें करने लगा। कुछ देर बाद आज कुरो काटो से कुछ पीने के लिए पूछ ही लेता है, मगर काटो अजीब कपड़े पहनने वाले लोगों को घर कुछ नहीं खाट पीता। कुरो ने कहा कि उसे सैटरडे तक घर पे ही रहना पड़ेगा। काटो ने पूछा कि क्या तुम नरीना शेशर के बारे में जानते हो, ये वही केस है जिसे लुइस से अंजाम दे रहा है। कुरो की जॉब उसे अगले 3 दिन के अंदर पकड़ना है। अचानक फिर से हम करंट के दिन पर आ जाते हैं। कुरो अपनी जैकेट के इस्तेमाल से गायब हो जाता है और अपने अपोनेंट का चालाकी से तोड़ देता है। काटो ने ओजो का वो मशीन गन के नेबल दिखाया जो उसने कुरो की हुडी पर देखा था। टाइम में फिर से पीछे या चलते हुए एक छोटी बच्ची के साथ मिस्टर मिल को दिखाते हैं। उसने बच्ची से खाने के बारे में पूछा तो बताते कि आज उसने काफी कुछ खाया है जो कि उसकी डाइट का हिस्सा है। मिस्टर मिल्क ने उससे कहा कि तुम्हें वो सब छोड़कर मेरा मिल्क ट्राई करना चाहिए, पर वो लड़की तो वहां से डर के भाग गई। उस बच्ची को लुइस को पूरा हुलिया लटा हुआ है और उसने उसे छुपा हुआ भी देख लिया। लुइस ने पूछा कि तुम्हें
एक निंजा तो हो ही, मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ। उस बच्ची के ज्यादा बोलने पर लुई से बोला कि मेरे पास गन है, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वो उससे मात्सुगो और मागो मांगने लगा। ये एक ऐसा पानी है जिसे लोग मरने से पहले पीते हैं। वो बच्ची लुईसो को अपनी पानी दे देती है और वो अपनी एज 10 साल बताती है। लुईसो अपनी बच्ची को भी बड़ा होते देखना चाहता है, लेकिन अगर वो मिशन में फेल हुआ तो उसके साथ वो उसे मार देगा और पकड़ा जाएगा तो पुलिस नहीं छोड़ेगी। उस बच्ची ने लुईसो की मदद करने का वादा किया। वहीं मिस्टर मिल काटो को अपने दूध पिलाना चाहता है। काटो के पूछने पर उसने बताया कि टिम्बुको में कई फाइट बहुत पेचीदा है, वो भाग भी मुश्किल से पाया। मिस्टर मिल को काटो पर ही भरोसा है और असल में उसका नाम ससामा है, जो एक फर्स्ट क्लास निंजा है। वॉल को खत्म हुए 70 साल हो चुका है, पर अभी तक निंजास को कमांड और इज्जत नहीं दी गई। लाखों पुलिस ऑफिसर्स और जवान फौजी के साथ 2 लाख निंजा भी शहीद हुए। इन सबसे एक ही चीज साबित होती है, पर अपनी बात पूरी किए बिना सामसा निंजा तकनीक के इस्तेमाल से गायब हो जाता है। इसी बीच हमें वो ड्रोन उड़ाने वाले बच्चे दिखाया जाता है। उसे वो कावड़ा के कपड़े फिर से दिखे जिन्हें वो चुराने की कोशिश में था, लेकिन इस बार एक जाल भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई खिड़की के पीछे उसका वेट कर रहा हो। इसी बीच कूरो ने उस पर स्टन गन से उसे बेहोश कर डाला। कुछ देर बाद उस लड़की की आंखें खुलती हैं और सोचता है कि उसी लड़की का रूम है जिसमें वो कपड़े थे पर उन्होंने उसके सर के ऊपर ठीक बैठा होता है। वो जान चुका है कि असल चोर कौन है। वो लड़का बोला कि मुझे अपनी बात रखने के लिए कटघरा चाहिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं बताने वाला। आखिर किस स्कूल में जा रहा है? तभी कूरो भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि मेरे पास बैगन के अचार के अलावा तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। पर उस लड़के को अचार बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अचानक कवाड़ो भी रूम में आ जाती है जो सबके लिए बियर लेकर आई है, और चोर लड़का उसे इस देखकर शर्माने लगता है। कवाड़ो ने पूछ ही लिया कि ये बच्चा कौन है। कूरो ने कहा कि इसे रास्ते में मिला था, जिसे उठाकर ये लड़का यहाँ ले आया। कवाड़ो तो उसका शुक्रिया करने लगती है। अब उसका जाने का टाइम आ चुका है, वो खुद को क्रिमिनल की तरह देख रहा है। कूरो को पता लगता है कि वो कूडन हाई स्कूल का स्टूडेंट है। कूरो उसके साथ एक सौदा करना चाहता है और उसने कहा कि तुम्हें फॉरेनर के पकड़ने में मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो तुम्हारा राज जाकर एमिन पुलिस को बता दूंगा। जब वो घर लौट रहा होता तो उसे वही छोटी बच्ची दिखती है। वो उसका ड्रोन एक बार उड़ाना चाहती थी, तभी वो उससे गोरे फॉरेनर के बारे में पूछने लगा। फॉरेनर का नाम सुनकर उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह 2 बच्चों को दिखाया जाता है जिन्हें अभी एक स्केटबोर्ड मिला है। कूरो उन्हें देखकर रोक लेता है और अपने प्लान में शामिल करने के लिए उन्हें लालच देने की कोशिश करता है। वहीं छोटी बच्ची जूना लुईस को एक घर में ले आती है और कहती है कि वो उसे किसी से मिलवाना चाहती है। जूना ने कहा कि मैं रोज बाथरूम में सोती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे असली माँ बाप नहीं है। लुईस ने सोचा कि जापान जिस जगह पर भी चाइल्ड अब्यूज किया जाता है। जूना ने खाने के लिए लुईस को खेरा भी दिया। कूरो स्केटबोर्ड की मदद से चारों छतों पर स्टंट करने की कोशिश कर रहा है। वो कवाड़ो को भी अपने साथ ले लेता है। इसमें उसे थोड़ी मुश्किल जरूर हुई और वो यहाँ पे अब पीने के लिए बियर लेकर आई है। कवाड़ो ने पूछा कि तुम हर वक्त घर में क्या करते हो, वो जब से यहाँ आया तब से कहीं नहीं गया। लंच उसे लैंडलेडी से मिल जाता है, पर इस वक्त वो भी बेडरिडन है, इसलिए फिलहाल कूरो घास और ओनो के टुकड़ों पर जिंदा है। ना तो कूरो कोई जॉब करना चाहता है क्योंकि किसी और के लिए काम करने में उसे आफत आती है। अगर जल्दी ऐसा चलता रहा तो यहाँ से मूव करना चाहेगा। जब भी कूरो काम करने की सोचता है उसे नींद आने लगती है। हालांकि उसके एंट्रेंस एग्जाम भी नजदीक है और उसे स्कूल और फैमिली का प्रेशर के कारण जाना पड़ रहा है, पर कवाड़ो ने कहा कि उसने तो अपना स्कूल ड्रॉप कर दिया था। उसके पेरेंट 2010 में मैस में ही मारे गए थे, जिसके बाद उसके पास स्कूल जाने का कोई रीजन नहीं बचा। ये वही टाइम था जब निंजा डिजास्टर हुए थे, जिसके बाद कवाड़ो उठकर नीचे की ओर चल देती है और उसका पैर फिसल जाता है। लेकिन टाइम रहते कूरो ने हीरो की तरह उसे बचा लिया। कवाड़ो डर गई थी कि लेकिन कूरो की हुडी में पहले से एक एयर बैग था। एक बार फिर से एंडर से लड़ते वक्त उसमें सुजुकी का कारनामा दिखाया जाता है। वो पीछे से छुपकर जाकर उन पर हमला कर देती है और कहती है कि अगर जरा सी भी चालाकी करी तो अगला निशाना तुम्हारे चेहरे पर होगा। सुजुकी पहली लड़की थी जिसे लुईसो को पकड़वाने में पहला कदम उठाया और उसके निंजा हैंडल्स कई सारे हैं, ठीक ओनिबाकी की तरह, जो कि काटो का ही स्टूडेंट है। 25 जुलाई के दिन जूना ड्रोन लड़के के पास लुईसो को ले आती है और ड्रोन उड़ाने के लिए मांग लेती है। उसने चलाकी से कूरो को कॉल मिला दी। दूसरा और 2 लोगों की फॉरनर के बारे में बात करते हुए दिखाया जाता है, जिनमें से सुजुकी है, और अपने मास्टर योशिदा से कहती कि उसका निंजास के लिए दुख जताना सुजुकी को काफी एक्साइट करता है। मगर योशिदा ने आर्टिकल बनाते टाइम गलतियां कर दी हैं, इसलिए सुजुकी उसकी हेल्प करना चाहती है। वहीं पर हिबी भी अपने मास्टर के साथ पैराडाइज के ब्रिजेस पास कर रहा है। उसका मास्टर खुद बाल्ड होते हुए भी हिबी को गंजा कहकर बुलाता है। ये बात आज तक उसे समझ नहीं आई। योशिदा से बात करते वक्त सुजुकी के ऑफिस से कॉल आ जाता है और उन्हें पता लगता है कि मायामुरा फ्लैट्स में एक फॉरनर घुस आया है, जिसे पकड़ने का काम सुजुकी को दिया गया, और सुजुकी अपना काम पूरा करने में 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती, इसलिए वो सीधे मियामुरा फ्लैट्स के लिए निकल पड़ती है। सबूत ढूंढते हुए हिबी और उसके मास्टर
को भी लुईसे के खिलाफ सबूत मिल चुका है। उसके मास्टर कहते कि अब तुम्हारे पहले मिशन का वक्त आ चुका है जिसे अंजाम देने के लिए मियामुरा फ्लैट्स में जाना होगा। सुजुकी तो वहाँ पहुँच भी चुकी है। वो ड्रोन देखते ही लुईसे का पता लगा लेती है और उस पर अपने वेब से अटैक कर देती है। जूना को इस बीच चोट लग गई इसलिए वो नाराज है। सुजुकी ने वहाँ खड़े लड़के से कहा कि अगर तुम किसी से कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा, इसलिए चुपचाप खड़े रहो। लुईसे के पास इस वक्त ड्रोन है जिसकी मदद से सुजुकी पर नजर रखे हुए है, लेकिन उसने ड्रोन को मैजिक जैकेट से गायब कर लिया और सीधा लुईसे के मुंह पर किक से वार किया। जब वो गिर गया तो सुजुकी उसकी और गन से शॉक कर देती है, पर किसी तरह लुईसे उठा और उसने गोली तो सुजुकी पर चला ही दी। अगर अब वो उसके सर पर हमला करता तो सुजुकी गई समझो। लुईसे ने सोचा कि लड़की मुझसे रैम की भीख क्यों नहीं मांग रही। इसी बीच हिबी भी वहाँ आ गया और वो कहता है कि तुम्हें लड़की को छोड़कर एक मर्द से टकराना चाहिए। पर तभी लुईसे को लगा कि उससे पहले इस मास्क वाले की छुट्टी करनी चाहिए। सुजुकी चुपके से नजर बचाकर साइड में हो जाती है। जैसे ही लुईसे हिबी पर फायर करता है, गोली उसके सूट को भी नहीं भेद पाती, जिसके तुरंत बाद ही हिबी लुईसे पर अटैक कर देता है। सुजुकी समझ चुकी है कि कई सारे सिनोबीज को एक मिशन दिया गया है। लुईसे पूरी कोशिश के बाद भी हिबी पर वार नहीं कर पाता। तभी वह ड्रोन उनके बीच से निकलता है, लेकिन हिबी ने बोला दो ओपोनेंट से साथ निपटना तो तुम्हारे लिए गलत होगा, तो अच्छा रहेगा कि मैं इस ड्रोन को तोड़ डालूं। स्ट्रीट्स पर ओजो मास्टर तायरा को देखकर रुक जाता है और स्मोक करने के लिए मना करता है। वो वॉर से रिलेटेड बात कर ही रहे होते कि ससामा उनके बीच आकर कहता है कि अगर तुमने दुश्मन को पीठ दिखाई तो मैं तुम्हारा मुंह और पीठ तोड़ना तोड़ दूंगा। ओजो ने पूछा तुम दुश्मन की तरह क्यों बात कर रहे हो, पर शायद वो भूल रहा है कि जो डर गया वो मर गया समझो। लेकिन इसी बीच एक और निंजा गाड़ी पर चढ़कर मिशिमुरा फ्लैट्स में आ जाता है। ये जूना के पेरेंट्स की गाड़ी है। उसका सौतेला पिता उसे डांटने लगता है। फिर उसने देखा कि ये दोनों इंसान आंगन में क्या कर रहे हैं। जूना को लगा कि आज तो वो गई समझो। तभी वो तीसरा निंजा हिबी को निशाना बनाकर उस पर डांट से वार करता है। लुईसे ने मौका मिलते ही सबसे पहले जूना के पिता के मुंह बंद कर दिया, जिसके बाद उसकी गाड़ी लेकर वहां से फरार होने लगता है। उसने हिबी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी, पर वो इतना आसान कहां था। जाते वक्त भी उसने जूना के डैड पर गुस्सा आ रहा था। वो लुईसे पर तरस खाकर छोड़ देता है और गाड़ी में जाते वक्त वो देखता है कि वो हिडन निंजा गाड़ी में पहले से ही था, जो कि कुरोकुत था। और एक बार फिर से हम लौटते हैं आज एक दिन पर जहाँ पर यमाडा नाम की लड़की के हेल्पर के ऊपर से कुछ आवाजें आती सुनाई पड़ रही हैं, लेकिन उसने अपने ईयरफोन्स पहने हुए थे। ये आवाज सुजुकी की गन की थी। मेडिकल रूम में हाची एंडर्स की बॉस को लेकर आ जाता है, लेकिन उस लड़की को समझ नहीं आ रहा कि आखिर दुश्मन की इतना चिंता क्यों है। लगता है हाचिया उसे पहले से जानता है। इस मेकअप को कुमाडारी कहा जाता है और उसके बाकी दोनों साथियों के गुनगुरु स्टाइल के बारे में भी हाचिया को पूरी जानकारी है। उसे लगा कि तुम सबको शायद अपने ही मेकअप से एलर्जी है। उसने पूछा कि क्या तुम कुमाडारी मेकअप करके खुद को लीडर साबित करना चाहती हो। हालांकि उससे इस बात से कोई नाराजगी नहीं, हाचिया उसे कंफर्टेबल महसूस करवाने की कोशिश करता है। उसने भी सोचा था कि काश उसके बाल भी स्ट्रेट होते। रेड कलर के मास्क हीरो का रिप्रेजेंट करता है शायद, जिसे देखकर वो खुद एक स्टार साबित करना चाहती है। हाचिया अपने डॉल को सहारा लेकर अंदर से बात करने की कोशिश करता है ताकि वो थोड़ा क्यूट दिखे। डॉल के सहारे हाचिया वो सब कह देता है जो वो खुद नहीं कह सकता। हाचिया खुद में ही रहने वाला एक अकेला इंसान है। कुछ लोग उसके जैसे मासूम बच्चों को किडनैप करते हैं और उसे रिक्रूटमेंट का नाम देते हैं और बाद में उन बच्चों को किलिंग मशीन्स बना दिया जाता है। हाचिया खुद भी उनमें से एक है। और ओजो ने कांटो से कहा कि नाचिया कोई आम गेनिन नहीं, पर वो फॉरनर से सबसे आखिर में मिलने वाला सिनोबी था। तारिया ने लुईसे से पूछा कि तुम्हें तीनों ओपोनेंट में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन लगता है। उसने कहा कि जो लास्ट में गाड़ी में उसका वेट कर रहा था वो सबसे डरावना था। उसने एक और साथी को महसूस किया था, पर वो उसे कहीं नहीं दिखी। कुछ देर बाद लुईसे का मास्क निकाल दिया जाता है। ससामा की बैग पर एक कीपैड है जिसमें वो पासकोड डालने को कहता है, जिसके डालते ही ससामा एक लड़की में बदल जाता है। उसने बताया कि लिंजा लैब ने उसके लिए खास मेरेस्टीन बेटा बनाया था, उसे इस्तेमाल करना उससे बनता है। इस फुल स्टैक मेरिस्टीन को जापान के बॉर्डर्स पर इस्तेमाल करना साफ मना है, लेकिन जापान के अंदर भी कोई दुश्मन छुपे हैं। पर पुलिस निंजास पर काफी भरोसा करती है। ससामा ने कहा कि अगर देखा जाए तो मिलिट्री के साथ उनका कुछ खास रिश्ता नहीं है। एक छोटी गैंग को ओल्ड इंपीरियल आर्मी स्कूल से उठाया गया जो मिनिस्ट्री और हेल्थ लेबर के मैनेवर्स हैं। ये सब उन्हीं रियल एंडीवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर उन्हें सेक्रेटरी कंट्रोल करता है और वॉर का सूए 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन जापान के अंदर भी वॉर जारी है, जिससे अंडर निंजा ने कुछ
हद तक रोका हुआ है, पर उन्हें कुछ और साथियों की जरूरत है। उनके मन में कुछ स्कूल के नाम है जिनमें से एक कार्डोन स्कूल भी है, पर इन सब बातों का लुईसा के सामने करना कोई फायदा नहीं। सासा ने कहा, लगता है कि तुम भी अभी समझ नहीं पाए हो। वो उसे अपनों में से एक बताती है, आखिर उसने दो जीनियस को एफर्टलेसली टक्कर दी है। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को उसकी जरूरत है और आज से वो एक भी शिनोबी घोषित करते हैं। एक शिनोबी के लिए उसका घर परिवार पास्ट लाइफ बिल्कुल मैटर नहीं करती। इसी बीच लुईसा अपनी बच्ची को किडनैपर को कॉल लगा देता है, पर चलते चलते किसी ने उसका पैर अलग कर डाला और जिसने ये किया था वो उसके फोन लेकर अपना नाम शिमाडा बताता है और लुईसा से कहता है कि तुम्हारी बेटी सुरक्षित है और मेरे पास है। और उस वक्त वहाँ पे निंजा मौजूद था जो कि इनविजिबल था। फिर हम कुरो को एक स्कूल में देखते हैं जहां उसे नई क्लासमेट नागुची मिलती है। वो उससे पूछते कि मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। एक प्रोफेसर आकर कहता है कि आज नागुची की एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं। तभी उसकी नज़र भी कुरो पर पड़ती है, लगता है वहां उसे कुछ जानता नहीं है और अब उनकी क्लास का टाइम होने को चला है। प्रोफेसर ने जाते वक्त कुरो को क्लीन शेव करने को कहा। कुरो ने कहा कि उसकी मॉम हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम करती है और उन्होंने उसे शेव करने से मना किया है। जिस बीच टीचर नागुची से अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने को कहता है क्योंकि उसके मार्क्स में कोई नहीं आ रहा है। कुरो को नंगे पैर क्लास में आते देख सभी हैरान हो जाते हैं। टीचर ने उन दोनों को कुछ टेस्ट पेपर दिए, इसके बारे में हाचिया ने उसे पहले से ही बताया हुआ था। हाचिया कुरो के अपार्टमेंट में भी आया था, जिसे देखते ही कुरो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। असल में हाचिया यहाँ पर रहने के लिए आया है, कल फॉरनर के साथ जो भी हुआ था उसने वो सब कुछ देखा था। कुरो ने भी किसी को आसपास महसूस किया था। हाचिया को कल लुईस का खत्म करने ही वाला था, कुरो के कारण ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि हाचिया कल लेट था। उसने कुछ किराए के पैसे कुनो को दिए और वहां से चला गया। वैसे तो हाचिया ने सारे आंसर्स फ्लोर पर कर दिए थे जिन्हें नागाची ने देख लिया और टीचर को बता दिया। कुरो कहता है कि सर इन्हें कूड़ो राइस कहा जाता है। कुरो ने बहाना बनाने की कोशिश करी पर टीचर नागुची से यहाँ झाड़ू मारने को कह देते हैं। इसी बीच कुरो ने अपनी इरेजर जमीन पर गिरा दी और बेंच के नीचे से इरेजर के टुकड़े नागुची को मारकर उनका ध्यान भटका दिया, पर फिर भी टीचर ने खुद वहाँ झाड़ू लगाकर उसे समेट लिया। अब कुरो के बचे हुए आंसर्स को बचाना है और जिसके लिए कुरो क्लासरूम में यूरिनेट कर देता है और रोते हुए कहता है कि मैंने नर्वस होकर आज ज्यादा काफी पानी पी लिया था। हालांकि वो अब तक इतना नर्वस नहीं दिखा। नागुची कहते कि आखिर एक लड़का होकर तुम बच्चों जैसी हरकत कैसे कर सकते हो। कुरो बाहर आ जाता और कहता है कि मुझे नहीं लगता आज मैंने इंग्लिश और मैथ का टेस्ट कंप्लीट कर पाऊंगा। उम्मीद है कि इस एक्टिंग के बाद सर उसे पासिंग मार्क्स तो दे ही देंगे। इसी बीच कोई उसे नए सेमेस्टर की बधाई दे रहा है। कुछ देर बाद जब कुरो नागुची को लेकर घर पहुंचता है तो वहां कावाडो उसका वेट कर रही थी। कुरो ने उसे अपनी मॉम कह दिया। नागुची का भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिर ये लड़की इसकी मॉम कैसे हो सकती है। कावाडो उसे घर में ले आती है और बताती कि कुरो असल में सेकंड फ्लोर पर रहता है। फिर कुरो नागुची से स्कूल की कम्युनिटीज के बारे में पूछने लगता है, जैसे कि वेटलिफ्टर्स, स्मोकर्स, रैगर्स। असल में नागुची एक लड़की होने के नाते इन सब में किसी में इंटरेस्ट नहीं रखती, वो हमेशा स्विच करती रहती है। फिर उसने कहा कि हमारा स्कूल पहले एक मिलिट्री बेस हुआ करता था जिसमें आज भी एक अंडरग्राउंड टनल है। जो भी आज तक उसमें गया वो वापस लौट कर नहीं आया और स्कूल का डायरेक्टर भी काफी अजीब है। इसी बीच टीवी भी ऑन हो जाता है जिसमें एक बुड्ढा आदमी कुछ निंजास को कंट्रोल कर रहा होता है। वो सामने खड़े दुश्मनों के हाथ पर काट डालते, पर कुरो को समझ नहीं आया कि ये सब सिविलियंस को क्यों दिखाया जा रहा है। उसके घर के बाहर एक बस आती है जिसमें काटो होता है। अगली सुबह कुरो ड्रोन वाले लड़के काटो को लेकर नागुची के घर चला जाता है। जब उसने उन दोनों को पहले बार अपने घर देखा तो हैरान रह गई क्योंकि उसने तो कुरो को अपना एड्रेस दिया ही नहीं था, पर कुरो कल चुपके से उसके पीछा कर रहा था। काटो ने कुरो से वादा किया कि वो उसकी रक्षा करेगा। नागुची जानती है कि काइटा पहले भी कैमरा से गलत फोटो लेकर पकड़ा गया, उसे पहले ही उसे सचेत कर देती है। काइटा ने कहा कि पिछली बार रिकॉर्ड करते हुए उसने देखा था कि वॉशरूम में किसी ने माइक्रोफोन छुपाया हुआ था। तभी उनके सामने फटाक आ जाता है और दूसरी तरफ वो देखते हैं कि डायरेक्टर खुद खड़ा हुआ है। वो उनकी ओर देखकर कुछ अजीब इशारे करता है और तभी ट्रेन आ जाती है जिसके जाते साथ ही डायरेक्टर आंखों से ओझल हो गया। क्लास के पहले दिन कुरो का इंट्रोडक्शन किया जाता है। हर कोई उसे बिना शूज के देखकर हैरान है। एक लड़का काइटा के साथ मस्ती करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से गए तो तुम्हारी चटनी बना दूंगा, लेकिन कुरो ने उन सबको मजा चखाया। और रिसेस के वक्त काइटा ने कहा कि ये उसके लिए बहुत बुरा स्टार्ट है, पर कुरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो हीबी को भी वहां देखता है और उसके साथ रूफ पर आ जाता है। ये सीन वही था जो हमें सबसे पहले दिखाया गया था। इसके बाद सीधा यामाडा को दिखाया जाता है, उसने अभी अभी काइटा से बात करी। उसे देखकर काइटा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, उसके साथ खुद को इमेजिन करने लगता है। लेकिन तो यामाडा की चाल थी, वो काइटा को कजुमा नाम के लड़के के पास लेकर छोड़ देती है। कजुमा उसे एक लात मारते हुए उसके सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में जानने लगता है जिस पर काइटा अपनी सारे पिक्चर्स को अपलोड किया करता है। वो अपने एक दोस्त के साथ उस पर जोर जमाने की कोशिश करता है।
लेकिन तभी वहाँ पर कुरो आ जाता है, वो भी अपने सर पर बॉक्स रखकर कजुमा ने खींचकर उसे एक लात मारी। लेकिन कुरो को कुछ कहाँ होने वाला था, वो जैसे ही अंदर झांकने की कोशिश करता है कुरो उसे बेहोश कर देता है। अब मोइजी भी उस पर अपनी ताकत दिखाने के लिए आगे बढ़ा, उसके पास एक रॉड है। कुरो कायता के पीछे आकर उसी के हाथों से मोइजी का मजा चखाता है और कहता है कि इसके आगे का तुम खुद देखो। अब कुरो डायरेक्टर ऑफिस की ओर चल देता है। डायरेक्टर ज्यादातर बॉयलर रूम में रहता है और वो कुरो को देखते कह देता है कि तुम्हारी इनविजिबिलिटी मुझ पर काम नहीं करने वाली। कुरो वहां से जाने लगा ये कहते हुए कि शायद मैं ज्यादा ही जल्दी यहां आ गया, लेकिन डायरेक्टर ने अपनी तलवार निकालकर सीधा उस पर वार कर दिया और कुरो को टाइम रहते खुद को बचाना पड़ा, नहीं तो अभी उसका एक हाथ जमीन पर पड़ा होता। कुरो ने कहा अगर हिम्मत है तो एक और हमला करके दिखो। इसी बीच डायरेक्टर को हाचिया के लेस पॉइंटर के बारे में पता है। इसी बीच सीन कल पर शिफ्ट होता है जब काटो कुरो से मिलने के लिए आया था। वो दोनों निंजा ब्रॉडकास्ट कंपनी के फेमस शो के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसे सीन में हम लोगों को नहीं दिखाया जाता। काटो ने कहा कि पहले ऐसे होता था जब शिनोबी और सरकार के एम्स अलग होते थे। एक शिनोबी होने के नाते आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि अलग लोगों का गुस्सा उन पर ना उतर जाए। कुरो ने पूछा कि क्या लोग अपने अच्छा बुरा नहीं जानते। काटो कहता है कि इसलिए हम टीम बढ़ा रहे हैं और तुम्हें एक गियर देते हैं जो कि एक निंजा स्टार है, ये अपने ओपोनेंट तक ऑटोमेटिकली पहुंचा सकता है। कुरो देखना चाहता है कि बॉक्स के अंदर क्या है, पर अभी उसे सब बताने का सही वक्त नहीं आया है। वहां पर एक इटालियन सेल्फ ड्राइविंग मोटे बाइक भी है जिसका नाम टियो है, वो अपने मालिक से बात भी कर सकती है। टियो चाहता है कि उसके ऊपर सिर्फ एक सुंदर लड़की बैठे। काटो ने कहा कि अभी इसमें कुछ फॉल्ट्स हैं तो हम इसे कबाड़ करने की सोच रहे हैं। जब डायरेक्टर कुरो को मारने वाला होता तब उसकी तलवार को कोई बीच से काट डालता है, उसे सदमे में छोड़कर कुरो वहां से भाग आया। लगता है हुडी में जीपीएस और माइक भी लगा हुआ है। वहां जाते वक्त कुरो काटो को बताता है कि किस तरह हुडी ने उसकी जान बचाई। फिर हम बिल्ली के कुरो को अपार्टमेंट में जाते देखते हैं जो सीधे कवाड़ो के कमरे में घुस आती है और उसके पैरों को नोचना शुरू कर देती है, लेकिन कवाड़ो को लगा कि वो गुदगुदी कर रही है इसलिए वो उसे खाने के लिए कुछ दे देती है। कवाड़ो ने उसका नाम शिनोबू रखा और जब कवाड़ो ने फिर से निंजास के हमला वाले सीन चलाया तब शिनबू को लगा कि शायद उस वक्त वहां पर थी और एक निंजा ने उसे मार डाला था, लेकिन इस वक्त वो एक बिल्ली के रूप में क्यों है। इसी बीच कुरो भी स्कूल से लौट आता है पर वो फिलहाल सोना चाहता है। शिनबू ने जब कुरो को देखा तो उसे पता लगा कि किसी ने तो मेरी जान ले ली है, लगता है उसके दिमाग को किसी ने बिल्ली के दिमाग में डाल दिया है। कुरो भी उसे काफी देर तक घूरता रहा। फिर काटो ग्राउंड में ओनिबे के नाम की लड़की से बात कर रहा होता है। ओनिकोबे को नए बैटलफील्ड में भेजने की बात चल रही है। अगले दिन काइटा ने देखा कि कजुमा उसका दोस्त और कुरो भी क्लास में नहीं दिख रहे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। तभी कजुमा उसे आकर एक टपली मारता है और बाहर आती उसे माफी मांगने लगता है और वो काइटा से कहता है कि वो कुरो को हमेशा इतना दूर रखे उतना सही है क्योंकि वो एक निंजा है, वो इस वक्त कुरो से मिलना भी चाहता है। इसी बीच कुरो उनके पास आ खड़ा होता है, उसने कुरो से मदद मांगी कि वो उसकी कुछ बदमाशों से लड़ने में मदद करे। काटो उस वक्त कुरो के घर आ पहुंचा, वहां ओनो उसे कहता है कि कुरो स्कूल में है पर कुरो के कमरे में पहले से एक निंजा मौजूद है। काटो कुरो के बे में ओनो से सवाल करने में लगा है, ओनो को याद आया नहीं कि वो कुरो से कब मिला था, जैसे उसने हिप्नोटाइज किया गया हो। कजुमा कुरो की समझ आ रहा है कि उसे मदद क्यों करनी चाहिए, वो हमेशा से यांकी गाइस देखता आया है और दूसरे स्कूल के बच्चों को मजा चखाना उसका बचपन का सपना रहा है। तभी कुरो अपने दोस्त हिबी को बुला लेता है ताकि वो यांकी स्कूल के बच्चों को निपटने में उनकी मदद कर सके। दूसरी तरफ काटो और ओनिबक ने मिलकर कुरो के पूरे घर की जानकारी ले ली है। ओनिकोबे को लगा कि वहां पर इतने सारे क्लूज को ही हो सकता है हमसे कुछ छूट गया हो, लेकिन ऐसा कुछ खतरनाक उसके घर में अब तक नहीं हुआ है और बाकी के दो मेंबर्स तो आम लोग हैं, उन लोगों ने ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत नहीं है। काटो को लगता है कि वो सीक्रेट एजेंट्स को हो सकते हैं जो कुरो की रखवाली कर रहे हैं, मगर कुछ साफ नहीं कहा जा सकता। जब हिबी और कुरो आपस में लेजर के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी कजुमा हिबी से पूछा कि क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने ईस्टर्न टोक्यो नाजिमा के बारे में बदमाश को अकेले मारा था। हिबी के कन्फर्म करते ही कजुमा उसे अपने हीरो बताने लगा, पर वो इतनी बड़ी हस्ती होकर इस स्कूल में क्या कर रहा है। हिबी ने कहा इससे आगे मुझे कुछ मत पूछना, ये एक सीक्रेट मिशन है। हिबी को लगता है कि आगे डायरेक्टर ने कुरो को इतनी आसानी से निकालने दिया तो इसका मतलब उन्होंने कोई बड़ा जाल बिछाया हुआ है, उन्हें अगले इंसिडेंट तक का इंतजार करना होगा। इसी बीच कुरो काइटा से पूछता है कि वो लड़की कौन थी जिसके लिए तुम बॉक्स उठाए घूम रहे थे। उसने कहा कि वो यमाडा है जो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती है, लेकिन उसकी कुछ हरकतों से कारण लोग उससे दूरी बनाए रखते हैं। लगता है काइटा अब उसके पास भूलकर भी नहीं जाने वाला। कजुमे बात करके यमाडा को बात करने के लिए मना लेता है। काइटा उस शाम सुपरमार्केट से कुछ लेने आता है, वहां की शॉपकीपर उसे 10 नए सवाल करने शुरू कर देती है। जब वो बाहर निकला तो एक निंजा उस वक्त स्टोन के अंदर एंट्री ले
लेता है। वो सोत्रे को सामान इधर उधर गिरा कर शॉपकीपर को चकमा देकर उस पर हमला कर देता है। पर वो लेडी तो बहुत सातिर निकली, मगर कुछ ही देर में उसे समझ आ जाते कि यहाँ पर एक से ज्यादा लोग हैं और पलक झपकते निंजा ने उसकी गर्दन काट डाली। लेकिन वो लेडी हार न मानते उस निंजा पर पलटवार कर ही देती है, जिसका उस असर उसके कपड़ों पर नहीं होने वाला था। लगता उस लेडी ने शुक्रेन में ही आवाज सुनी है। जब शॉपकीपर उठते हुए अपनी बची कुची ताकत अजमाने की कोशिश में होती है, तभी निंजा उसकी पीठ पर वार करके उसे वहीं खत्म कर देता है। मरते वक्त उसने समामा का नाम लिया। करीब एक महीने पहले दौड़ते हुए एक आदमी के पैर में एक निंजा स्टार आ लगता है। निंजा उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें धोखा देकर शिनीबी छोड़कर भाग जाओगे। वो निंजा यूएन से है। वो आदमी बताता है कि मैं बचने के लिए नहीं भाग रहा, बल्कि अपनी स्किल्स को जिंदा रखते हुए मर जाना चाहता है। बढ़ते उम्र के कारण अपनी स्किल्स को फीका पड़ता देखना एक निंजा के लिए बुरे सपने से कम नहीं होता, इसलिए वो ऐसी सिचुएशन चाहता है जहां लड़ते वक्त उसकी मौत हो जाए। शायद एक जगह है जो उसके लिए सही रहेगी। और एक बार फिर उस स्टोर के गेट खुलता है और एक और निंजा अंदर आता है। फिर हम योशिदा को नहाते हुए देखते हैं। उसे अभी अभी नोबुगा के मारने की खबर मिली है। योशिदा ने अपने लिए आज मिल्क शेक बचाया था, लेकिन तभी उसकी नज़र शिजुकी पर पड़ती है और इस हालत में उसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। वो तो यहाँ सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने आई थी और अब उसने फैसला किया कि अब योशिदा की एडिटर बनकर उसका मरते दम तक साथ देगी। जुना ने काइटा से कहा कि वो स्टोर वाली आंटी से मिलना चाहती है, आज उनकी मॉम भी काफी लेट आएगी। पर काइटा जानता था कि जुना के स्टोर जरूर कुछ खरीदना है। उसने कहा कि तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है। जुना इस बात से नाराज हो जाती है और गुस्से में खुद ही स्टोर की ओर चल देती है। रास्ते में सुजुकी कल स्कूल के बाद योशिदा से मिलने का प्लान कर रही होती है, तभी शिनोबी ने उसे एक मैसेज आता है कि उनके एक शिनोबी को मार दिया गया और वो उनकी टीचर्स में से एक थी। सुजुकी समझ जाते कि इसके पीछे यूएन का ही हाथ है और फीमेल शिनोबी को मारकर वो उनका निशाना अगली फीमेल हो सकती है। खुद को सुजुकी भी और उसके साथ भी वही हुआ जिसका उसे डर था। अपने ऊपर हमला होती सुजुकी उस इनविजिबल निंजा के वेब में फंसा देती है। उसे मालूम है कि एक गलती उसकी जान ले सकती है और ये उसका आखिरी दिन भी हो सकता है। पर तभी जुना भी वहाँ आ जाती है और उस वक्त वो निंजा जुना के अपने निशाने पर ले लेता है। वो तो उस बिल्ली ने आकर उसे बचा लिया। जुना की जान बख्शने के लिए सुजुकी अपने वेपन छोड़ने को रेडी है। उसके पास एक प्लान और खतरनाक पॉइजन भी है जिसे दुश्मन को 2 सेकंड्स में मारा जा सकता है। वो बिल्ली निंजा को पहचान लेती है और उसका नाम सरुआता बताती है। पर वो बिल्ली बात कैसे कर सकती थी? सुजुकी ने इतना तो जान लिया कि दुश्मन एक मेल है। वो जुना के बालों से पकड़ लेता है। यहाँ तक कि उस बिल्ली ने तो सुजुकी को भी पहचान लिया। सरुता को यकीन नहीं होता कि ये लड़की वो कैसे हो सकती है जिसने कार्डोन स्कूल के इन्फिल्ट्रेट किया था। वो निंजा को सुजुकी की स्मेल अब तक याद है क्योंकि वह पहले भी उसका सामना कर चुका है। एक दिन सुजुकी ने सरुता से शर्माते हुए कहा था कि ग्रेजुएशन के बाद हमें जो भी निंजा की ड्यूटी मिलेगी उसे हम साथ में करेंगे। उसने बीच में ओनिबाके का नाम भी लिया। ये निंजा टेक्निकल स्कूल का आखिरी दिन था। उस दिन 2 कोनिचे के तौर पर सुजुकी और ओनिबाके को चुना गया था। उन्होंने अपनी स्किल से पिछले 3 सालों में लगभग 48 लड़कों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया है। सरुता को आज भी वो दिन याद है। वो बिल्ली सरुता के हाथों मरना चाहती थी ताकि उसकी मेमोरीज वापस आ सके। तभी सरुता ने अपनी तलवार को जुना के गले पर रख दिया, लेकिन ये सिर्फ धमकी थी। सुजुकी ने उसके साथ जो भी किया उसके लिए सरुता उसे इतनी आसान मौत तो नहीं देना चाहता था। अगले दिन स्टोर की तहकीकात के दौरान फुटेज चेंज की जाती है और जिसे तायरा एक लड़की के साथ देख रहा होता है। वो उस इनविजिबल सूट की बात करते हैं जो निंजा लैब में बना हो सकता है। वो इतना इफेक्टिव है कि कैमरा ही शॉट को नहीं पकड़ पाया। फिर काटो को अपनी वैन में ओनिबापे के साथ दिखाया गया। ओनिकुबे को लगता है कि उन्हें इस तरह अकेले रेड नहीं करना चाहिए, पर काटो उस पर हुक्म चलाते हुए अपना काम करने को कह देता है। यहाँ पर ओनिकुबे को मैशरिन सूट की रीडिंग्स आ रही हैं। जरूर आसपास कोई तो जरूर है और काटो उसे वहीं छोड़कर ओजू के पास आ जाता है। ओजू उसे कल की बात बताते हुए कल की टनल की कहानी सुनाता है। वो जब उसके अंदर थे तब किसी ने उस पर फ्लेम थ्रोअर से हमला किया था। उन तीनों को छोड़कर बाकी हर कोई मौके पर ही मर गया। काश निंजा लैब ओजू को सुंदर और डैशिंग भी बना पाती। हो रही घटनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिनोबी के खून के प्यासे बढ़ते जा रहे हैं। तभी वो सिसमे के पास पहुंच जाते हैं। वो कहता है कि काटो काफी कमजोर होता जा रहा है। उसके पास में छोटा बच्चा भी लेटा हुआ होता है। अचानक टायरो ने काटो के गले पर तलवार रखकर पूछा कि ओनिकुबे तुम्हारे साथ क्या कर रही है, लेकिन ससामा आराम से बात करना चाहती है। उसी बीच ओनिकुबे की वैन के बाहर सुजुकी आ जाती है। उसके शक सही है। सुजुकी उसे दो दो हाथ करने के लिए बाहर बुलाती है। आखिर ग्रेजुएशन के बाद दोनों आज मिल रहे हैं। अपनी दोस्त के कहने पर ओनिकुबे ने अपनी इनविजिबिलिटी को खत्म कर दिया। फिर दोनों एक दूसरे से मुकाबला करने लगते हैं और बराबर की टक्कर देती हैं। सुजुकी कहता है कि तुम सच में काफी स्ट्रांग हो, तुम्हारे सामने मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती, इसलिए हम लड़ना बंद करते हैं। सुजुकी पर हमला करने वाला जानता था कि वो स्कूल के मिशन में हिस्सा ले रही है। वो ओनिकुबे से जानना चाहती कि आखिर कौन हमसे स्कूल में इतनी नफरत करता है जो हम पर हमला करना चाहेगा। कहने के लिए तो उन दोनों ने मिलकर
दर्जनों लड़कों की फीलिंग के साथ खेला था और वो सभी मार्क लगाते थे, इसलिए असली दोषी को पकड़ना मुश्किल होगा। ऐसा कौन है जो खूनी का माइंडसेट रखता हो? ये वो भी हो सकता है। काफी सोचने के बाद उनके दिमाग में दो नाम बार बार खटकते हैं, एक था सरूता और दूसरा था निकिता। हाल ही में हुए अटैक पर निंजा लैब कार्रवाई कर रही है, जिसमें यूएन के बनाए हुए नए सूट के बारे में भी रिसर्च जारी है, जो मैरी स्टन का भी अपग्रेडेड वर्जन है। ओनी कोबे ने कहा कि यूएन ने हेड से टक्कर लेने के लिए हर पल रेडी है। उसी सूट की बातें इस वक्त ससामी कर रही है। वो काटो से जानना चाहते हैं कि वो किसी के अंदर काम कर रहा है, क्योंकि एक हाई रैंक को अपने साथ रखने का कोई खास रीजन तो होगा ही। सेसे में आज सबको एनआईएन 7 मेंबर्स में से एक सबको मिलवाने वाली है, जो कि वो बचा तारा। सबको लगा था कि वो ससामी का बच्चा होगा, लेकिन अभी उसका ब्रेन ट्रांसप्लांट हुआ है। काटो ने तो सिर्फ ऐसे एनिमल्स के साथ सुना था, लेकिन बच्चे के साथ ऐसा कुछ होना चौंकने देने वाला है। अब काटो के पीछे की जो भी सच्चाई ससामी तारा ने सुनना चाहती है, एनआईएन का टॉर्चर झेलना हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए अब काटो की लॉयल्टी को टेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए वहाँ पर कई सारे निंजास जमा हो जाते हैं। और ठीक यही हाल ओनी कोबे के सुजुकी का भी है। फैसला सुजुकी को करना है, या तो वो यहाँ से बचकर भाग निकले या फिर अपनी दोस्त के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन लड़े। एक सुनुबी का काम सर्वाइव करना होता है। ससामी कहते कि तुम्हें अपने सामने खड़े निंजा के पैरों के नीचे से निकलना होगा, आगे उसने गलती से टच कर दिया तो वो निनायन को अपमान होगा। तभी शीन शिफ्ट होता है सुजुकी की ओर, उन्होंने देखा कि सारे निंजास अचानक से गायब हो गए हैं। नागोची जब रात को आराम से सो रही होती है, तब अचानक कोई उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद वो भागते हुए अपने पेरेंट्स के पास आ गई। उसे लगा कि यहाँ जरूर कोई बहुत प्रेत है, पर अब जो भी हो उसके डैड ने ये घर लोन पर लिया तो है, तो उसे यहाँ रहना ही होगा। जब नागोची अपने रूम में वापस लौटी तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, पर एक निंजा बेड के नीचे छुपा हुआ। तो वो फिर से बाहर आकर नागोची को डरा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा क्लासमेट कूरो हूँ, पर इस वक्त वो यहाँ क्या करने आया है। नागोची कहती है कि अगर उसकी इन हरकतों के बारे में स्कूल में पता लगा तो कल उसका नाम कटा दिया जाएगा। कूरो ने कहा कि कल स्कूल रहेगा ही नहीं। इतना कहते ही कूरो खिड़की से नीचे उतरने लगता है, वो इस वक्त थका हुआ है। नागोची ने उसके जैसा संकी लड़का आज तक नहीं देखा। दूसरी ओर योशिदा, जो कि हिस्टोरिकल नोवेलिस्ट है, सुजुकी के बारे में सोच रहा है, पता नहीं वो उसे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। कुछ देर बाद वो अपने बेड पर सो जाता है, जिस तरह एक बार वो 10 साल पहले सोया था। पर उस रात एक निंजा उसके पास आता है, जो उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है। उस रात करीब 15 आतंकवादी जापान में घुस आए थे, जिन्होंने 100 लोगों को अपने कब्जे में ले लिया था। उनमें कई एम्बेसी के लोग और लोग भी शामिल थे। जापान सरकार ने होस्टेजेस के लिए एक सभा भी रखी है, तभी सेफ्टी को पहले नंबर पर रखा जा सके। 4 महीने बाद प्रॉन की सेना को रेड के लिए भेजा गया, जिसमें करीब 15 आतंकवादी मारे गए, लेकिन करीब उसके घंटे पहले कुछ निंजाज ने पहले के आतंकवादियों से हथियार छीन लिए थे। इसके बाद रेड डाली गई और उस दिन कुल 7 निंजाज ने 200 ऑपरेटर्स को मार दिया गया था। जापान एमिन इसका सच कोई नहीं जानता। उस दिन करीब 5 निंजाज ने अपनी जान गंवाई, और ये बात उस निंजाज ने योशिदा को इसलिए कही क्योंकि वो एक राइटर था और इस बात को दुनिया तक पहुंचा सकता था, इसलिए योशिदा ने इसके ऊपर एक बुक लिखना शुरू कर दिया। जब सेस ने सारी घटनाओं के बारे में संक्षेप में लिखना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोग इस इंसिडेंट को दूसरे इंसिडेंट से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम 99 इंसिडेंट है। ये तब हुआ था जब निंजित्सु के लिए औरों को एवैकुलेट किया जा रहा था। सारे 7 निंजाज ने एक एक करके योशिदा को सारी जानकारी दी, जिनमें से मिस्टर मिल के रूप में ससुमा भी था, लेकिन उनमें से एक लड़की ऐसी थी जिसने फ्यूचर की सारी जानकारी उसे ही दे दी थी। फिर हमें कवाडो के घर पर वो बिल्ली एक बार फिर से दिखाई जाती है, लेकिन कवाडो को नींद में देखते हुए वो वहां से चला जाता है। उसे अपने अंदर की इंसानी मेमोरीज महसूस हो रही थी, इसी बीच वो कूरो के रूम में पहुंचा। लगता है कि कूरो उसे पहचान चुका है। उसने कहा कि एक बिल्ली का लेकर तुम्हें बेहतर फील हो रहा होगा। कूरो को अब उसकी हरकतों पर ध्यान रखने पड़ेगा, क्योंकि वही पिछले जन्म में उसका खूनी था। कुछ देर बाद कूरो मिस्टर ओनो को पहली बार काम पर जाते देखता है। उसने कूरो से कहा कि स्कूल डेज में मैं तुमसे ज्यादा फाइट करता था, लेकिन कूरो के सामने उसे डींगे मारने की जरूरत नहीं। अगर कूरो चाहे तो आज शाम ओनो की स्कूल एल्बम देख सकता है। कूरो कहता है अगर मैं जिंदा रहा तो जरूर देखेंगे। आज ओनो ने ध्यान दिया कि अजीब लड़का पैदल के स्कूल जा रहा है। कूरो किसी को कॉल करते बताता है कि कोडान स्कूल पर हमला होने वाला है और आज वो नीबी के साथ एक अलग टारगेट पर हमला करने वाला है। आज काइता यमाडा के साथ स्कूल के लिए निकल रहा है, जो कि स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। पर तभी उनके साइड से योशिदा गुजरता है। उसे उन यमाडा को देखकर लगा कि वो पहले उससे मिल चुका है। तभी यमाडा किसी कियुरू नाम के लड़के के बारे में बात करती नजर आती है। जब काइता ने काइरो के बारे में पूछा तो यमाडा कहती है कि वो अभी कूरो के साथ स्पेस में गया है। लगता है वो नहीं जानती कि कूरो के मन में क्या है। काइता पूछता है कि क्या नरिमा में यांकी हाई के बच्चों को कहर है। तभी उसके सर पर
सीन है तपली मारी। दो बंदे आकर जबरदस्ती उनके साथ चलने की बात करने लगते हैं। वो कायता से कहते कि लगता है तुम अलमा मास्टर के बारे में नहीं जानते। अब वो लोगों से माफ नहीं करने वाले। वो दोनों बच्चे यांकी स्कूल के बच्चे हैं और उन्होंने कायता के मुंह से अपनी बेइज्जती सुन ली थी। यामाडा उसे कायता को छोड़ने को कहता है और खुद कायता को गर्लफ्रेंड बना देती है। और अब वो बच्चे बदतमीजी पे उतर आए हैं। यामाडा उनकी बात मानने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन अचानक मौका देखकर उसने उन दोनों लड़कों को चटनी बना डाली। वो उनसे कह देती है कि कुरो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें स्कूल पर ढाबा बोलने वाला है। उसने उन बेचारों को बुरी तरह पीटा है। एक बुड्ढे इंसान ने कुरो को एक अंगूठी पे दी थी जिसमें GPS पहले से इंस्टॉल था। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के तो बीबी और कुरो के साथ ही मिले हुए थे। वहीं अमाडा काटिया को यांकी स्कूल लेकर आ चुकी है। वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर भागने लगती है और जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगती है। काटिया तो उसकी सोच को पढ़ ही नहीं पा रहा है, पर एक बात के लिए वो खुश है कि इस वक्त वो स्कूल के सबसे सुंदर लड़की के साथ है। इसी बीच एक लड़का उनके सामने आ जाता है। अमाडा काटिया को उसके मुंह पर फेंक कर मारती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टायरा के सेक्रेटरी लुई को उसके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है जहां पर उनकी लैब भी है। जब टायरा आकर उसे काम करते देखता है तो पूछता है कि तुम कल रात घर क्यों नहीं गए। पर लुई उसे नए मेरिस्टिन के राज के बारे में बताने वाली है, क्योंकि मैरिस्टन का नया 5.2 वर्जन इस वक्त तैयार हो रहा है जिसकी स्ट्रेंथ और वर्सेटैलिटी पिछले वालों से कमाल की होगी। वॉर में तो सिर्फ 3.5 वर्जन का यूज किया गया था, पर नया वाला तो उनकी साइड कर कमजोर बना देगा। जब स्टोर वाला हमला हुआ था तो निंजा को तलवार से खरोच तक नहीं आई। लुई ये सारी जानकारी काटो के पहले ही दे चुकी है। हालांकि उसे काटो से कोई खास लेने देना नहीं है, पर लुई का मकसद तो ओनिकाबे को खत्म करना है। जब ओजो ने हाचिया को कॉल लगाया तो हाचिया ने कहा कि वो अभी भी प्रैक्टिस करके आराम कर रहा है। ओजू ने उसे कोडन स्कूल पर होने वाले हमले से सचेत कर दिया। ओजू कहता है कि तुम्हें किसी भी वक्त डिफेंस के लिए तैयार रहना होगा। अगर दुश्मन का सामना करना उसके बस की ना हो तो भाचिया दम दबाकर भाग भी सकता है। ये फिर उस लड़की को पीछे का छुप सकता है जिसके साथ इस वक्त वो लेटा हुआ है। जिस बीच हमें पता लग जाता है कि हाचिया नीन लीडर तरा का पोता है। जब सुजुकी अपने साथियों से मिशन के बारे में डिस्कस कर रही होती है तब टीचर आकर उसे फोन यूज करने को मना करता है। सुजुकी ने बहाना बनाते हुए कहा कि इस वक्त मेरी दादी बीमार है तो मुझे हर वक्त उनकी खबर लेनी होती है। पर टीचर ने सुन लिया कि फोन पर किसी बिल्ली की गुर्राने की आवाजें आ रही हैं। पर असल में सुजुकी लुई से बात कर रही थी। लुई ने कहा उस दिन तुम किस्मत वाली थी जो उन निंजा से बच गई। सुजुकी के बगल में एक निंजा भी मौजूद है जो कि ओनिकाबे है। उसके नाम सुनते ही लुई ने चिल्लाकर फोन काट दिया। तभी काटो उन्हें एक मिशन के लिए तैयार होने को कहता है तभी वो दुश्मनों को सीधा मौत के घाट उतार सके। इस मिशन के लिए काटो खुद उन्हें ज्वाइन करने वाला है। कातिया क्लास के एक साथी जब उसकी चुगली करता रोड पर कार रहा होता है तभी एक निंजा उसकी गर्दन पर से तलवार निकालते हुए ले जाता है। ये इतना तेज था कि उस लड़की की गर्दन अलग हो जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। वो निंजा 100 शर्ट इकट्ठे कर रहा है क्योंकि उसे इंसानों को मारना बहुत पसंद है। दूसरी नागोची डायरेक्टर से बात करने पहुंच जाती है और पूछती है कि आप यहां कितने सालों से काम कर रहे हैं। वो जानना चाहती है कि उसने स्कूल में अपनी गुफाओं के बारे में जो र्यूमर सुने हैं वो असली हैं या नकली। डायरेक्टर को लगा कि डेनायन और उनकी दूसरी डिवीजन वहां सच्चे तो हमला करने वाली। वो नागुची को सारी खुफिया केव्स के बारे में बता देता है और कहता है ये कैंपस घिर चुका है और बचकर निकलने थोड़ा मुश्किल है। लुई ने अभी भी उस कटे सर वाले बच्चे की लाश देखी है जिसके बारे में वो सुजुकी से खबर देती है। इसके मतलब यूएन का हमला कभी भी हो सकता है। अगर सुजुकी को बचाना है तो उसे बॉम्बिंग अटैक करना होगा। यूएन निंजा सरुता स्कूल में घुस चुका है। वो एक टीचर के सर काट डालता है। रिसेस के बाद पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा हुआ था। सरुता जब ऊपर की ओर बढ़ता है तो एंडर्स गर्ल्स को एक मोटे बच्चे को परेशान करते देखता है जो बेचारा अपनी डाइट पूरी करने के चक्कर में क्लास में नहीं जा पाया। जब उसे उसकी साथे माको मचाया के साथ कहीं गायब है तभी उसके दोनों दोस्तों का मूड खराब है। सरुता ने 3 पास टीचर के खोपड़ी फेंक देता है। उन्हें लगा कि किसी एनायन का सिनोबी का काम होगा, लेकिन कुछ भी सोचने से पहले वो उनमें से एक का सर काट डालता है और दूसरी लड़की की आधी बॉडी को उससे अलग कर देता है। सरुता ने उस मोटे लड़के के भागने के 1 मिनट का टाइम दिया। शायद ये उसका प्लान है स्कूल में अफरा तफरी मचाने का। फिर एक के बाद पास्ट में नहीका दो और सरुता को बात करते दिखाया जाता है कि टीचर ने उन्हें सार्गोन लैब से लाने का कहा था। अब उनके पास 30 सेकंड का टाइम है, नहीं तो वो गए समझो। अब सरुता सीधे क्लास में घुस गया। वो उनके टीचर की लाश को ठिकाने लगाते हुए उन्हें धमकी दे देता है, जिसके बाद अफरा तफरी तो मचनी ही थी। फिर सरुता ने पागलों की तरह स्टूडेंट्स की सब्जी की तरह काटना शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ ने तो खिड़की से खुद पर अपनी जान ले दी। इसी बीच सरुता बॉयज वॉशरूम में घुस आया है जहां एक बच्चा छुपकर लंच कर रहा था। सरुता ने उसे जाने दिया। जब उस मोटे लड़के ने
सारी खबर स्टाफ को बताया तो उनकी हालत खराब हो गई। सुजुकी और ओनिकाबे को भी सरुता के अंदर घुसने को पता लग चुका है। पूरे स्कूल में प्रिंसिपल खतरे की अनाउंसमेंट करता है। उसने सबको शांति बनाए रखने को कहा और बताया कि यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है और एक झूठी खबर है। डायरेक्टर एनआईएन के लिए मैसेज ड्रॉप करता है जिसमें बताता है कि यूएन वाले दूसरे बिल्डिंग में एंटर कर चुके हैं, अगर उसे नहीं दबोचा गया तो भाग निकलेगा। डायरेक्टर चाहता है कि एनआईएन उनके साथ हाथ मिला ले और सुजुकी उस पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि पास्ट में डायरेक्टर डिवीजन सेकंड का मेंबर रह चुका है। सुजुकी डायरेक्टर से कहते कि आपको तो फोर्सेस ने बाहर निकालने से मना किया था तो आपने 20 साल शहर में कैसे बिताए। असल में डायरेक्टर ने अपने बच्चों के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपाए रखना था। अब वो चाहता है कि सुजुकी सरुतो को धर दबोचे। ओनिकाबे भी उसके लिए तैयार है लेकिन उसे काटो की परमिशन की जरूरत है। काटो ने कहा कि वो भी जल्द वहाँ पहुँच रहा है। सरुतो जानता है कि एनआईएन वालों ने उसे पकड़ने का प्लान बना लिया होगा। इसी बीच कुरो और हिबी अपने दोस्तों के साथ नोएजी के पास पहुँच जाते हैं। वो बताता है कि उसने यांकी स्कूल में एक लड़का बेहोश पड़ा देखा जिसका नाम करावाडो है। तभी काइटो जोर से चिल्लाते हुए कुरो से की गुहार लगाता दिखता है। वो तब से ही रूफ पर छुपा हुआ है। जब तक वो रूफ पर पहुंचते हैं तब तक कुरो नोहोजी के परिवार के बारे में जानना चाहेगा। काटो भी अपने रोबोट को लेकर स्कूल पहुंच चुका है जहां पर सारे स्टूडेंट्स को शांत कर दिया गया। उसने सरुता का प्लान चौपट कर दिया। सरुता काटो को आता देखकर एक स्टूडेंट को मार डालता है। वो सुजुकी को मारने से पहले थोड़ा वार्म अप भी करना चाहता था। यांकी स्कूल में हर कोई लाइन बनाकर खड़ा हुआ होता है। नोहोजी ने कहा कि इनका कोई रिचुअल है, वहां ना तो कोई कुछ बोल रहा है और ना कुछ सुन रहा है, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। कुरो जब ऊपर की ओर बढ़ता तो ही भी चाहता है कि पहले वो यूएन से निपटे ताकि उसकी एबिलिटीज का टेस्ट भी हो जाए। वो दोनों नोहोजी को यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि छत पर यामाडा आराम कर रही है। ही भी अब अपने निंजा आउटफिट पहना चाहता है। तभी यामाडा बाहर आती है और पूछते कि तुम यहाँ कैसे, क्या कार्डोन स्कूल की लड़ाई शांत हो गई। दूसरी ओर कुरो के घर पर खड़ी उसकी बाइक जो उसे काटो ने दी थी, वो कवाडो से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे स्टार्ट कर दो। वैसे तो कवाडो दूसरों की चीजों के हाथ नहीं लगाती पर अपनी बिल्ली जिसका नाम उसने शिनोबू रखा है के कहने पर उसका मन पिघलने लगता है। वो बाइक उसे बहला फसला कर अपना इंजन स्टार्ट करवा लेती है जिसके बाद शिनोबू उस पर सवार होकर शहर के लिए निकल पड़ते हैं। स्कूल में अब भी घुसपैठियों की बात चल रही होती है। तभी बच्चे देखते हैं कि उनके आंगन में किसी ने बॉक्स से बना रोबोट रख दिया है। कार्टून रिमोट सिस्टम के हेल्प से हर बाहर जाने रोबोट को शूट करने का ऑर्डर दे दिया। उनके स्कूल के बाहर डिलीवरी वैन के लिए लाइन लग चुकी है। जब माँ को जागती है तो वो हाचिया से पूछती है, क्या ये तुम्हारे दुश्मन का नाम तो नहीं। उसने कहा कि एनआईएन हर खतरे के लिए पूरी तरह तैयार है। माँ को ने कहा कि मैं अपनी दोनों दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हारी रक्षा करूंगी, पर शायद वो नहीं जानती कि वो दोनों तो कब की मर चुकी हैं। माको ने कहा डिवीजन दो के साथ जुड़ने के बाद उसने फैसला किया था कि मैं अपने किसी साथी से दोस्ती का नाता नहीं निभाऊंगी, पर आज माको बदला लेना चाहती है। डायरेक्टर सुजुकी ने से कह रहा है कि वैसे तो गेट पर रोबोट लगवा दिया गया है, अगर दुश्मन का टारगेट सुजुकी है तो उसे सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर चिपचिप जाना चाहिए। अगर कोई हिलचल हुई तो उसकी खबर उसने मिल जाएगी। सुजुकी और ओनिकाबे को अगर सरुता को चकमा देना है तो अलग अलग होकर उस पर हमला करना होगा। अब यही रास्ता बचा है कि सुजुकी उस पर हमला पहले करे। जब सुजुकी बच्चों के बीच से निकल कर जा रही होती है तो वहाँ सिर्फ बच्चों की शार्प स्मेल आती है। टीचर हर बच्चे को क्लासरूम में भेजना चाहते हैं, कुछ भी पूछने पर किसी स्टूडेंट को कुछ बताया नहीं जाता, लेकिन सरुता उसी टीचर को पीछा खड़ा नजर आता है। वो अलग झपकती अपनी तलवार से उसका सर अलग कर देता है और अगले वार में सरुता ने सुजुकी का पैर काट डाला और अब उसका सामना ओनिकाबे से है। काटो को इस बात की खबर मिल चुकी है। वो रोबोट लेकर सीधे उनकी ओर आने की कोशिश करता है और दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है। सरुता को दबोच लेता और सरुता ने पहचान लिया कि अगर ओनिकाबे बाहर है तो इसमें जरूर काटो छुपा होगा। काटो उसे लेकर वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। सिर्फ सुजुकी का पैर ही नहीं कटा बल्कि ओनिकाबे भी काफी जख्मी हो चुकी है। इस वक्त काटो की मदद करना चाहती है। काटो लुई की मदद चाहता है ताकि बाहर जाने का आसान रास्ता ढूंढ सके। सरुता खुद को छुड़ाने की सारी तकनीक इस्तेमाल करके आजाद हो जाता है और भाग निकलता है। हिबी के लग रहा है कि यामाडा उसे काफी टक्कर देगी, पर कुरो के कहने पर उसने यामाडा को तो सिर्फ पंचेस फाइट के लिए इन्वाइट करा। वो जैसे ही उसे मारने आगे बढ़ता है तो उसे टॉर्च तक नहीं कर पाता और मारना तो दूर की बात। जिसके बाद यामाडा अपनी स्किल दिखाती और हिबी को चौंकना देती है। इस बार कुरो का कहना अलग है, वो हिबी को चौकन्ना रहने को कहता है, कहीं वो अमाडा को हल्के में लेकर खुद को नुकसान न करवा बैठे। इस बार हिबी उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहती है। उसे लगा कि एक लड़की को तो आसानी से पछाड़ देगा, लेकिन हिबी अमाडा के सामने कमजोर दिखते नजर आया। जिसी बीच हिबी अमाडा को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है।
और ये उसकी इलेक्ट्रिकल हुडी की वजह से पॉसिबल हो पाया। कुछ देर बाद लगने लगा कि यमाडा तो इलेक्ट्रिसिटी को करने लगी है। वो हुबी का सर पकड़कर उसे इस तरह दबाती जैसे उसे कुछ जली डालेगी। यमाडा का पर्पस उसे मारना नहीं है, जिसके बाद नागुचु एक लड़की के साथ कॉरिडोर में घूमते दिखाया जाता है। उसने कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी थी और डायरेक्टर ने भी उसे चौकन्ना रहने को कहा। उसने कुछ ब्लैक बॉन्ड इरेजर्स क्लीनर के बारे में कुछ कहा था। उसने अपनी साथी को ये सारी बातें बता डाली। वो कहती कि उसे ऐसी कहानियों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। थोड़ी आगे जाकर वो सुजुकी को देखते हैं, जिसके पैर अलग हो चुका है। सुजुकी चलने में उनकी थोड़ी मदद करना चाहती है। उसने चलते वक्त कहा कि तुम काफी कमजोर हो, इसलिए लड़के तुम्हें पसंद नहीं करते। ये सुनकर नागुची को बुरा लगा, पर तभी वो लड़की साथों उनकी पिक्चर लेने लगी। थोड़ी देर में वो सब जिम पहुंच जाते हैं, तभी उन्हें फायर एक्सटिंग्विशर से किसी की कमांड सुनाई देती है। असल में एक रेडियो था जिसे उन्हें अपने साथ लेकर चलना होगा। नीचे फ्लोर पर एक गेट होता है जो एक बेसमेंट की तरफ जा रहा होता है। साथ हर चीज की पूरी तस्वीर खींचते हुए आगे बढ़ रही होती है। डायरेक्टर ने कहा कि अगर यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है तो तेजी से चलना होगा। उसने बताया कि उन्हें किसी भी वक्त टॉप सीक्रेट सैटेलाइट अटैक भी हो सकता है। अगर वो इसी स्पीड से आगे बढ़ते हैं तो अगले एग्जिट तक आधे घंटा में पहुंचेंगे। देखा जाए तो डायरेक्टर उसकी दुश्मन क्लैन का मेंबर है, पर एक टाइम था जब दोनों ऑर्गेनाइजेशंस एक हुआ करती थी। उसके पिता एक शिनोबी थे। अगर शिनोबी इस दुनिया में नहीं होते तो शांति जैसी चीज की उम्मीद करना भी नामुमकिन होता। वही माको और हाचिया जापूजी और बढ़ने वाले हैं। जापूजी एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनसे जुड़े हुए नहीं है लेकिन इंस्पायर्ड जरूर है। जब हाचिया ने पूछा कि जापूजी कितनी पुरानी है तो माको कहती है कि एनआईएन की इसके बारे में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर जो अंडरग्राउंड लैब थी वो एनआईएन के वंशजों की थी। वो तीन मेजर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन हब थी। इसी बीच सुजुकी और उसके साथी यूएन अंडरग्राउंड लाइनसन रोड पर पहुंच चुके होते हैं, जो आज एक सीक्रेट फैक्ट्री बन चुकी है। बातों ही बातों में माको और हाचिया ने सारुतो को पहचान लिया। माको उसकी तलवार के सामने जाकर हर रिस्क लेने को रेडी है। सारुतो हाचिया का मजाक बनाते हुए कहता है कि आज एनआईएन लीडर तारा के पोते को एक लड़की के पीछे छुपा देखकर मुझे हैरानी हो रही है। इसके तुरंत बाद वो हमला कर देता है, जिसे हाचिया एक हाथ से डॉज करने वाले में कामयाब होता है। हाचिया बेशक उसे देख नहीं सकता, पर उसके शरीर से आ रही खून की स्मेल जरूर पहचान सकता है। हाचिया जानना चाहता है कि अगर वो सारुतो के टारगेट है तो उसे भेजा किसने है। सरुता के मुताबिक इसका पता लगाने के लिए हाचिया को पहले जिंदा रहना होगा। हाचिया ने अपना टेडी से उस पर पहले ही निशाना लगाया हुआ था। एनआईएन सैटेलाइट लेजर कैनन भी एक्टिवेट कर दिया गया है, और ऐसा सिर्फ हाचिया की लेजर से मुमकिन हो पाया। लेकिन अभी हमला किया गया तो हाचिया भी साथ में मारा जा सकता है। ओजो को इस बात की चिंता सताई जा रही होती है। तारा के ब्रेन ट्रांसप्लांट के बाद हेरिडिटरी सिस्टम भी कोलैप्स हो चुका है। जैसे ही माको ने शूट किया, हाचिया सरुता पर टूट पड़ा। मौका मिलते ही सरुता वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसके कारण सैटेलाइट से भी बच गया। पर माको इस वक्त ठीक नहीं है, डीप कट के कारण वो भी अपनी जान गवा देती है। सुजीको को याद आता है कि यहाँ पर एक होल है जो साइड नानाको में जाकर खुलता है। साथ सीक्रेट फैक्ट्री के बारे अमीन जानना चाहती है, जिसका जिक्र सुजुकी ने किया था। जब 1980 में धरती के लोग बढ़ते इकोनॉमी का मजे ले रहे थे, तब यहाँ के लोग काउंटर फील्ड बिल बनाने में बिजी थे। लेकिन इकोनॉमी ब्रस्ट के बाद कई लोगों ने अलग अलग थ्योरीज देनी शुरू कर दी। इसी कारण से यूएन को भी भारी अमाउंट में मनी मिली थी। जब यूनायन को अंडरग्राउंड के बारे में पता लगा तो उन दोनों के बीच की वॉर बड़ी भयानक हो गई। यहाँ के सारे एस्केप्स को बंद कर दिया गया, जिसे लोग जिंदा ही यहाँ बंद हो गए। फैक्ट्री के मजदूर भी बेमौत मारे गए, और ये सब डायरेक्टर ने अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि यही अकेला वहाँ बाहर जा पाया था। हालांकि जगह ब्लैक नोट फैक्ट्री के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ी है। बिल के लिए नॉर्मल प्रिंटर और इंक्स भी इस्तेमाल हो सकता है। स्कूल में कार्टून ने देख लिया कि खून के निशान हाचिया की और छह की तरह जाते हैं, जिसका मतलब उसने सरुता को घायल किया है। काटो ओनिकाबो के स्कूल की छत पर जाने का ऑर्डर देता है। यांकी स्कूल की छत पर कुरो यमाडा को अपनी रिंग किसी जादूगर की तरह दिखाता है, और जैसे ही वो अपना हाथ हवा में उठाता है वैसे ही तेज हवा से चलने लगती है, और एक ड्रोन उसके कटाना लेकर वहाँ से आ जाता है। कुरो ने कुछ दूर पहले यमाडा पर पॉइजन डाला था, और पर उसके लेग मसल देखकर लगता है कि उसकी नीडल अंदर जा रही नहीं पाई। यमाडा कटाना को देखकर डरने की बजाय ताली बजा रही है। तभी यमाडा की कटाना भी उड़ती हुई वहाँ आ जाती है, और कुरो फिर एक बार से इनविजिबल एबिलिटी का यूज करता है। ओनिकाबे के रूफ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं है, पर वो किसी तरह छत पर चढ़ जाती है। कुरो यमाडा की हरकतें देखकर समझ चुका है कि अगर उसने इस मॉन्स्टर को एक ब्लो में खत्म नहीं किया तो मुसीबत बन सकती है। इसी के बीच नाबुकी भी बाइक लेकर बस स्कूल पहुंची चुकी है। ओनिकाबे ने जैसे ही गेट खोला वो सरुतो को ढूंढने लगी। वो देखती कि सरुतो ठीक उसके सामने खड़ा हुआ है, और काटो भी अपना रोबोट लेकर उस पर पहुंच चुका है। उसने उन दोनों को देखते ही पहचान लिया कि ओनिकाबे को फंसाने के लिए एक चाल है, क्योंकि उस पर कोई पीछे से वार करते हैं, जैसे कि वो जानता था कि इस हमले से दोनों को नुकसान पहुंचेगा। ओनिकाबे के फेस शील्ड से उसे बचा लिया, मगर वो
चाकू एक तलवार में बदलकर उसके सर के पार हो जाता है। लुई ने तेरा को फुटेज दिखाते हुए बताया कि सरुता ने अपना खाली सूट वहाँ रख कर उसे फंसा कर मारा। असल में एक यूएन सूट स्पेस सूट की है असेंबली है। कुछ दिनों पहले न्यूज में दिखाया आया था कि एक रॉकेट को बिना सैटेलाइट के स्पेस में भेजा गया। इससे ये साबित होता है कि अगर ये काम यूएन का था तो वो लोग एस्केप की तैयारी कर रहे थे। उनका मेन गोल डाटा सर्वर को हैक करना भी हो सकता है, जिसमें 2.5 लाख एनायन सिनोबिस की जानकारी है। तभी काटो ऑर्डर देता है कि उसने इन्हें यूएन को पकड़ लिया है, इसलिए उसे उधाड़ दिया जाए। लेकिन शायद वो एस्केप के बारे में नहीं जानता, जो इस हमले से कई गुना खतरनाक साबित होगा। लुई ने कहा कि अगर वो खुद यूएन होटिटो से इतने सारे डाटा मिलने के बाद तो जरूर एस्केप का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद हमें स्पेस में यूएन के मेंबर्स दिखाए जाते हैं। उनका प्लान भी एस्केप का ही है। उन्होंने डाटा को सीज करने का प्लान तो बना ही लिया था। अगर उनकी तकनीक काम नहीं आए तो यूएन वाले सेल्फ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके अपने सारे निंजास की बलि देने को तैयार हैं। अभी उनके पास 2 लाख सिनोबेस का डेटा आ चुका है। अब एनआईएन की लेजर भी निकालने को तैयार है। वो सबसे पहले तो सरुता को हाल बेहाल करेंगे। कुछ देर बाद ही एनआईएन की सैटेलाइट का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और वो हमले के लिए तैयार हो जाती है। उसी बीच जब यमाडा और कुरो ने एक दूसरे पर वार किया तो कुरो ने यमाडा की नाक काट डाली। उसे लगा था कि यमाडा को हराना आसान होगा, पर कुरो को शरीर पर 2 गहरे घाव करने के बाद वो उसके मुंह में अपनी कटाना घुसा देती है। ई भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। कादो स्कूल की छत पर काटो बस हमले का वेट कर रहा था। तभी सरुता पूछता कि क्या आपको मेरा नाम याद है। सरुता वही निंजा है जो मरने के लिए बावला हुआ जा रहा था। वो एक आतंकवादी बन चुका था, लेकिन ससामा भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद था और ये प्लान ससामा का ही था। जिनके तुरंत बाद ही उनके ऊपर एक लेजर आ गिरती है जो सीधे सैटेलाइट से निकल रही होती है। वो लेजर धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग को तबाह करने लगती है। पूरे शहर में डर का माहौल फैल जाता है। स्कूल कुछ ही मिनटों में टूटकर मलवा बन जाता है। सुजुकी और नागोची सही वक्त पर एग्जिट से बाहर आ गए थे, इसलिए उनकी जान बच गई। काइता भी इस हमले को अपनी आंखों से देख रहा था, पर यामाडा अपनी कटी हुई नाक को लेकर उसके सामने आ खड़ी होती है। अब वो कुरो की खोपड़ी को काइटा के पैरों में फेंकती है। तब काइटा डर के मारे कांपने लगता है। ये सब देखकर टायरा की हालत खराब है। उसने इतनी तबाही तो एक्सपेक्ट नहीं की थी। और पर उन्हें सर्वर हैक का भी कुछ करना होगा, जिसके लिए तायरा ने एनआईएन लीडर्स की मदद मांगने की बात करी। पर वो सभी लीडर्स इतने बुड्ढे हो चुके हैं कि उनके लिए ठीक से कलर पहचानना भी मुश्किल है। उनमें से एक कहती है कि काश तारा की तरह उसे भी नया जन्म मिल पाता। टायरा ने कहा कि अब एस्केप के बाद सबको अपनी पहचान छुपाने के लिए छुट्टी लेनी होगी। लुई ने जो किया उसके लिए उसे प्रमोशन तो मिलेगा। और एक और खुशखबरी उसके लिए है कि उसका भाई हिबी अब भी जिंदा है। हिबी ने देखा कि कुरो ने अपने हाथों में उसका उच्च पकड़ा हुआ था। शाम के वक्त काइटा कुरो के घर आया। कवाड़ों से बताते कि आज पुलिस भी तहकीकात करने के लिए आई थी। उसके सभी साथी अभी उसकी मौत को अपना नहीं पाए हैं। काइटा यमाडा और कुरो के बीच हुई झड़प को उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। ना जाने क्यों कवाड़ो जोर जोर से हंसने लगी। ओनो कहता कि अब कुरो को जनाजा कौन निकालेगा। वो सब कुरो को काफी देर तक याद करते हैं। फिर जब उन्होंने देखा कि काइटा का चेहरा कवाड़ो को देखकर लाल हो रहा है, तब उन्होंने उसकी टांग खिंचाई करके उसे खूब पोपट कर दिया। तभी उस रूम में कुरो जैसा दिखने वाला है उसका भाई जुनेरो आ गया, मगर वो दरवाजे पर से लौट जाता है। नागुजी जब सो रही थी तो उसके रूम में कोई फिर से घुस आया। वो लड़का खुद तो तोइची कुसागारा बताता है, जो कुरो को छोटा भाई है, पर कुरो का तो एक और हमशक्ल भाई भी था। तो इस तरीके से सीजन यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहेंगे जरूर बताइए।